नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सुहाए पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले छत्तीसगढ़ राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस चैनल पर नए और इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों इस टाइप की वीडियो जो राज्य को रिप्रेजेंट करती है उस टाइप की वीडियोस हमने इस चैनल पर अपलोड किया है, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो वहाँ आप जाकर विजिट कर सकते हैं और वीडियोस एक एक देख सकते हैं। तो दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भारत के 7 राज्यों को अपनी सेवाएं देती है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के 19 रेलवे स्टेशन को अपनी सर्विस देती है। ये ट्रेन अपनी जर्नी में हर छोटे बड़े हॉल्ट्स पर रुकती है। भारत की काफी ओल्डेस्ट ट्रेन है ये। 1 जनवरी 1977 में इस ट्रेन को शुरू किया गया था। शुरुआत में दोस्तों ये ट्रेन बिलासपुर से हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक चलती है छत्तीसगढ़ आंचल एक्सप्रेस के नाम से, बट अभी ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के कोरबा से अमृतसर जंक्शन तक चलती है पंजाब के। दोस्तों ये ट्रेन दोनों रेलवे स्टेशन से डेली चलती है। 2102 किलोमीटर का डिस्टेंस 43 घंटे 22 मिनट में 84 हॉर्स लेकर ये ट्रेन तय करती है। छत्तीसगढ़ को पंजाब से कनेक्ट कराने में ये ट्रेन अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों ये एक एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, फिर भी इस ट्रेन में ऑल कैटेगरीज के कोच लगे होते हैं, जैसे जनरल, स्लीपर, AC 3 टायर, AC 2 टायर और AC 1 क्लास के कोच लगे होते हैं। इनमें जनरल के 2 कोच, स्लीपर के 7 कोच, AC 3 टायर के 6 कोच, AC 2 टायर के 2 कोच और एक AC 1 क्लास का कोच लगा होता है। और साथ में ट्रेन में पेंट्री कार होता है, SLR कोच होता है और एक EOG कार का कोच लगा होता है, जो टोटल ट्रेन में 21 कोच लगे होते हैं। दोस्तों इस ट्रेन को इस रूट पर काफी पसंद करते हैं लोग, क्योंकि ये ट्रेन काफी छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए जाती है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है और ये ट्रेन पहले ICF रैक्स में आती थी, बट अभी LHB रैक्स में आती है। दोस्तों ट्रेन को ऑलमोस्ट 46 साल हो गए हैं। ट्रेन की हिस्ट्री देखें तो ये ट्रेन 1977 में बिलासपुर से हबीबगंज, जो अभी रानी कमलापति है, वहाँ तक चलती थी। 1980 में ट्रेन को हबीबगंज से भोपाल तक एक्सटेंडेड किया गया था। 1987 में भी ट्रेन को भोपाल से हजरत निजामुद्दीन तक एक्सटेंडेड किया गया था और एज वेल एज न्यू दिल्ली तक भी। और फाइनली 1990 में ट्रेन को पंजाब के अमृतसर जंक्शन तक एक्सटेंड किया गया था। सिमिलरली दोस्तों 2018-19 में बिलासपुर से कोरबा तक भी एक्सटेंड किया गया था। फाइनली अभी ट्रेन कोरबा से अमृतसर रेलवे स्टेशन तक चलती है कंटिन्यूसली। दोस्तों 1977 में ट्रेन बिलासपुर से 4:20 PM को डिपार्ट होती थी, बट अभी ट्रेन बिलासपुर जंक्शन पर 2 PM को अराइव होती है, 15 मिनट का हॉल्ट लेती है और 2:15 PM को डिपार्ट होती है। ट्रेन का रिवर्सल नागपुर जंक्शन पर होता है और ट्रेन को ट्रैक्शन कोरबा से नागपुर भिलाई शेड का WAP 7 लोको ट्रैक्शन देता है और नागपुर से अमृतसर अजनी शेड का WAP 7 लोको ट्रैक्शन देता है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का नंबर 18237 अप और 18238 डाउन है। 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा से 11:33 AM को डिपार्ट होती है और 2 नाइट्स के बाद अमृतसर जंक्शन 6:55 AM को अराइव होती है। सिमिलरली 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अमृतसर जंक्शन से 4:10 PM को डिपार्ट होती है और 2 नाइट्स के बाद बिलासपुर जंक्शन 10:55 AM को अराइव होती है। दोस्तों 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा तक नहीं जाती है, वो ट्रेन बिलासपुर में ही टर्मिनेट हो जाती है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को टोटल 5 रैक्स है जो हर दिन चलते ही रहते हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में हॉल्ट्स होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 19 हॉल्ट्स होते हैं, महाराष्ट्र में 9 हॉल्ट्स होते हैं, मध्य प्रदेश में 17 हॉल्ट्स होते हैं, उत्तर प्रदेश में 19 हॉल्ट्स होते हैं, राजस्थान में 1 हॉल्ट्स होता है, हरियाणा में 8 हॉल्ट्स होते हैं, दिल्ली में 1 हॉल्ट्स होता है और पंजाब में 12 हॉल्ट्स होते हैं। ट्रेन के मेजर हॉल्ट्स देखा जाए तो टोटल 17 होते हैं, जैसे चांपा जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन, रायपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन, गोंदिया जंक्शन, नागपुर जंक्शन, इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, बीना जंक्शन, झांसी जंक्शन, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, मेरठ सिटी जंक्शन, अंबाला कैंट जंक्शन, लुधियाना जंक्शन और जालंधर सिटी जंक्शन होते हैं। इन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 5-20 मिनट का लंबा हॉल्ट लेती है। दोस्तों ट्रेन का किराया 1 एडल का बिलासपुर से अमृतसर तक का जनरल क्लास में 455 रुपए होता है, स्लीपर क्लास में 760 रुपए होता है, AC 3 टायर में 2015 रुपए होता है, AC 2 टायर में 2930 रुपए होता है और AC 1 क्लास में 5000 रुपए होता है राउंड फिगर। दोस्तों ट्रेन में आपको बिलासपुर से अमृतसर का अगर कंफर्म टिकट होना तो स्लीपर क्लास में 33 दिन पहले रिजर्वेशन कराना होगा, AC 3 टायर में 24 दिन पहले रिजर्वेशन कराना होगा, AC 2 टायर में 20 दिन पहले रिजर्वेशन कराना पड़ेगा और AC 1 क्लास में तो आपको 1 दिन पहले रिजर्वेशन कराऊंगे तब भी आपको कंफर्म टिकट मिल जाएंगी। दोस्तों ट्रेन की एवरेज स्पीड 48 KMPH और मैक्स स्पीड 120
130 तक होती है। वही ट्रेन की टॉप हाई स्पीड बेला टू भाटापारा 115 दुर्ग टू राजनांदगांव 96 तक, मुलताई टू आमला जंक्शन 93 तक, भोपाल टू विदिशा 91 तक, विदिशा टू गंज बसोदा 103 तक, बिना टू ताल बेहट 97 तक, ढोलपुर टू मथुरा 100 तक होती है और अंबाला सिटी टू राजपुरा 94 तक स्पीड होती है। दोस्तों ट्रेन के ऑलमोस्ट 10 से 30 मिनट में हॉल्ट्स आ ही जाते हैं, बट लॉन्गेस्ट नॉनस्टॉप रन ट्रेन का घोरा डोंगरी से इटारसी जंक्शन तक का होता है। ट्रेन 70 किलोमीटर नॉनस्टॉप 2 घंटे 32 मिनट तक चलती रहती है और स्मॉलेस्ट नॉनस्टॉप रन कोटारी रोड टू बहलापुर हॉल्ट का होता है। ट्रेन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 मिनट में तय करती है। दोस्तों 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को भिलाई पावर रेलवे स्टेशन पर 12262 हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और फ्राइडे को ओवरटेक करती है। 14 हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस थर्सडे और सैटरडे को ओवरटेक करती है। कामटी रेलवे स्टेशन पर 12772 रायपुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक करती है। मंडी बरमुरा रेलवे स्टेशन पर 12803 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्यूजडे और सैटरडे को ओवरटेक करती है और 12161 लक्ष्कर एक्सप्रेस सैटरडे को ओवरटेक करती है मंडी बारमुरा रेलवे स्टेशन पर। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 12661 तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मंडे और वेंसडे को ओवरटेक करती है। साहिबाबाद जंक्शन पर 12330 वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वेंसडे और 12380 जारियावाला बाग एक्सप्रेस संडे को ओवरटेक करती है। और फाइनली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस किसी एक ट्रेन को ओवरटेक करती है। जी हाँ दोस्तों, अंबाला कैंट जंक्शन पर डेली 11077 झेलम एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है। दोस्तों ट्रेन को क्लीनलीनेस, टिकट अवेलेबिलिटी, रेल फैनिंग और सेफ्टी में गुड रेटिंग मिलती है और पंचुअलिटी, फूड और जनरल कोच के लिए एवरेज रेटिंग मिलती है। तो ओवरऑल ट्रेन को 5 में से 3.3 की गुड रेटिंग मिलती है। अब दोस्तों जानते हैं इस ट्रेन का टाइम टेबल। आउटर में आपको अगले मंगलवार कौन से ट्रेन की वीडियो मिलेंगी इसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों इस टाइम टेबल को आखिरी तक देखे और उसके बाद आउटर को मिस ना करें, क्योंकि उसके बाद ही आपको नेक्स्ट वीक कौन से ट्रेन की वीडियो आने वाली है इसके बारे में बताया जाए। Thank you.
इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की। अब आपको अगले मंगलवार गुजरात एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो गुजरात राज्य को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों उस वीडियो का वेट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर नए और इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।